स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 9 के फिजिक्स का पहला टॉपिक, जिसका नाम है मोशन। क्योंकि कुछ हमारे विद्यार्थी, कुछ हमारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड से या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और कुछ जो विद्यार्थी हैं वो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग। तो हमारे वीडियो में आपको सीबीएसई और यूपी बोर्ड की तरह पढ़ाया जाएगा, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने हम विषय के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, क्या कि हमें इसमें जानना क्या है। सबसे पहले जो फिजिक्स की टॉपिक है मोशन। तो मोशन इंग्लिश में अगर हम बोले व्हाट इज मोशन, आखिर मोशन है क्या, और हिंदी में बोले तो गति क्या है, इसको मोशन को हम लोग गति कहते हैं। नॉर्मली मैं ये चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये क्या मैं कर रहा हूँ, मोशन। बाइक चलती है, आप लोग कहते हैं मोशन। इन सब में आपने अगर कोई कॉमन चीज देखा हो तो वो ये देखा होगा कि वो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, अपने पहले स्थान से, मतलब अपने पहले प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन क्या करे, समय लेते हुए, चाहे वो नैनो सेकेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो फर्मी सेकेंड ही क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। क्योंकि देखा जाए तो हम किसी ना किसी फ्रेम में काम करते हैं, और समय चौथा फ्रेम है जिसके अंतर्गत पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। तो हिंदी में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन, जब तक हम अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करेंगे या अपने पोजीशन का बदलाव नहीं करेंगे या अपने पोजीशन में वेरिएशन नहीं लाएंगे, मतलब बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम मोशन कर नहीं सकते हैं। देखा जाए तो मोशन के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स जिसको हम दैनिक जीवन में देखते हैं या जिनको हम बुक्स में देखते हैं वो ये सब है। जैसे टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, लीनियर मोशन जैसे रेखीय मोशन। अब रेखीय मोशन का मतलब क्या है, जो हम गाड़ी चलाते हैं, जो हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं, हम जो बाइक से सफर कर रहे हैं, ये कौन सा मोशन है, हम एक लीनियर, मतलब एक सीधे वे में। सीधे वे का मतलब ये नहीं है कि आप मुड़ नहीं सकते, सीधे वे का मतलब ये नहीं है आप ऐसे थे, आप ऐसे मुड़ रहे हो, आप ऐसे मुड़ रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप जिस भी टाइप से, मतलब ये क्या होगा, कुछ समय के लिए आप क्या लीनियर ही मोशन में चले गए, मतलब लीनियर मोशन के अर्थ को टच करते हुए आप सीधा कहीं जा रहे हैं और उसमें कोई भी डायरेक्शन में कोई भी आप चेंज नहीं ला रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। सर्कुलर मोशन, नाम से जैसा लग रहा होगा, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर मोशन वृत्तीय, मतलब कि हम सर्कल में घूमें। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस खेला जाता है, तो क्या करते हो, गोल गोल में घूमते हैं। या बाइक रेस आपने देखा होगा, तो जब मुड़ते हैं तो झुक जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जो है सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आते हैं। आगे आप लोगों को ये जो सर्कुलर मोशन है, जिसपे आपको एक पूरी टॉपिक पॉइंट मिलेगी 11th क्लास में, उससे अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम जब अगली कक्षा में जाएंगे तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वृत्तीय गति बहुत ही अच्छी टॉपिक है जिसको हमको जानना होगा। उसके बाद आता है वृत्तीय गति कौन करता है, आपका सूर्य करता है, ग्रहण पृथ्वी करता है, हाँ वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ का एकदम एग्जैक्ट सर्कल होना जरूरी नहीं है। आप अगर इलेप्टिकल शेप में अगर रोटेशन करें तो मतलब आपका पथ जो है वो वृत्तीय पथ हो जाएगा। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। बच्चों मुझे अपने बचपन की दिन याद आ रहे हैं, एक लट्टू हुआ करता था या एक तिरंगी होती थी जिसको हम लोग ऐसे नचाते, वो होता क्या था कि वो हमारे हाथ ऐसे मूव करता था। या आप लोग बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स ने ये बताया होगा कि पृथ्वी जो है दो तरह का मोशन करता है, एक होता है सर्कुलर मोशन करता है और दूसरा रोटेशनल मोशन करता है।
रोटेशनल मोशन के कारण ही दिन और रात होता है। तो घूर्णन गतिका अपने ही अक्ष पर मतलब अपने ही एक्सिस पर रहते हुए अपने आप को रोटेट कराना ही घूर्णन गति कहलाता है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, आप लोग कभी कभी किसी के घर पे गए होंगे, एक घड़ी देखा होगा, ऐसे घड़ी बनी होगी और इसके ऐसे एक की टक-टक करता होगा। हम लोग बड़े ध्यान से देखते थे कि आखिर ये है। जब हम लोग ने पढ़ाई शुरू किया तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ गया, फिर पुनः अपनी जगह पर पहुंचा, फिर ये इधर गया और फिर ये अपने पोजिशन पर पहुंचा। तो ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है? ये हमेशा जिस जगह पे था हमेशा अपने ही पाथ पर आ रहा है, जा आ रहा है और जा रहा है। एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर है हमारा, इसको मैं ये क्या कर रहा है, ऐसे गया आया। तो मतलब हर बार ये अपने पाथ को कवर कर रहा है। इसे हम लोग कौन सी गति कहेंगे? आवर्ती गति। तो हम लोग मोशन के बारे में क्या बता रहे, तो मोशन को आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं कि कोई कैसा मोशन कर रहा है, कोई तेजी से कर रहा है, कोई बहुत धीमा कर रहा है, ये कैसे हम पता करें? वो हम पता करेंगे उसके टर्म्स में कि आखिर मोशन को बता सकते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब अपने इनर्शियल पोजीशन से आप फाइनल पोजीशन की ओर जा रहे हैं, तो मतलब आप कोई ना कोई लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं। वो लेंथ कैसा है, क्या कर रहे हैं, तो उस लेंथ को अगर देखा जाए तो उस लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका डिस्टेंस और एक आपका होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब कि आप पाथ में जितना भी दूर जा रहे हैं, चाहे आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से कहीं निकले, आपकी दूरी हो गई 1 किलोमीटर, फिर आप थोड़ा सा टर्न किए, ये आपकी दूरी मान लीजिए हो गई, डिस्टेंस हो गई 0.5 किलोमीटर। देन आप फिर से 0.5 किलोमीटर चले, मतलब आप अपने घर से आपने अपने पैरों के द्वारा मतलब अपने फुट के द्वारा कितना लेंथ को कवर किया, तो आपने कवर किया 1 + 0.5 + 0.5, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो खूबी है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप इधर भी जाएंगे, डिस्टेंस आपका टोटल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस करते हैं। हिंदी में बोले तो मार्ग की कुल लंबाई, जो वस्तु चल रहा है या जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसने मार्ग में टोटल कितनी लंबाई तय की, उस संपूर्ण लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अच्छा, बात अगर मैं कहूँ कि आपका उस आपके स्कूल से आपके घर की दूरी एक्स मीटर, आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, फिर पुनः स्कूल गए, तो आपने टोटल दूरी कितनी? एक आप मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। यहाँ से आप एक्स गए, मतलब एक बार गए एक्स दूरी, फिर आए फिर एक्स दूरी, फिर से गए एक्स दूरी, मतलब आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 3x। तो ये हो गए। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? मीटर, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेमी में, जिसमें किलोमीटर में, जिसमें आप मेजर कर सकते। लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है कि दूरी या डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं, जिसको हम लोग SI सिस्टम के नाम से जानते हैं और MKS सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, कि जिसमें हम लेंथ के मेजरमेंट को मीटर में और मास के मेजरमेंट को किलोग्राम में और समय के मेजरमेंट को टाइम के मेजरमेंट को
सेकंड में डी करते हैं, तो आपने मीटर डिस्टेंस चला। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई बहुत तेज होंगे, कोई बहुत कमजोर होंगे, कोई एवरेज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे तेज बच्चा है जो कि बहुत जल्दी सीख रहे। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन से आप ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तब जाके आप बी पॉइंट पर पहुंचे। तो ये आपने ट्रेवल किया, ये आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के तरफ गए तो आपने ट्रेवल क्या किया डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। उसके बाद एक मैंने लिखा पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मुझे बी के पास पहुंचना है तो मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, क्या मैं 10 मीटर इस डायरेक्शन में जा सकता हूं? अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो उससे और दूर चला जाऊंगा, कभी भी मैं उसके पास नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सी राशि बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में सदिश राशि और इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब एक चीज आप में से रखेगा, मेरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखेंगे, मैं लिखता हूँ आप देखिएगा कि अगर आप डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और डिस्प्ले डी और बी से आप समझ जाएंगे कि डिस्टेंस की बात चल रही है और डिस्प्लेस इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वन, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको कह सकते हैं दूरी बटे में विस्थापन। क्या होगा, हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, कभी भी उनका रेशियो लेस देन वन नहीं होगा। तो हम जिस पे बात कर रहे थे कि जो दूरी है और उसके अगर विस्थापन के साथ रेशियो निकालें, मतलब उसका अनुपात निकालें, तो कभी भी जब भी आएगा आंसर वो एक से बड़ा, वन से बड़ा और या तो उसके इक्वल है। मान लीजिए आप हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप हाईवे पर ट्रेवल कर, हाईवे बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो आप इस पॉइंट जाएंगे, ये आपकी डिस्टेंस भी हो जाएगी और यही आपकी दूरी भी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इससे क्या आपको समझ में आया कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो हो सकती है परंतु कभी भी उससे छोटी नहीं होती। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्पेशल डिस्टेंस है, मतलब एक स्पेशल दूरी है, तो इसका भी यूनिट आप बनाएंगे मीटर में। अब ये तो हो गया कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अब हमारी बात ये हो रही कि अब कोई व्यक्ति बहुत धीमा चलता है, मतलब कोई बहुत स्लोली चलता है, कोई बहुत तेज चलता है। आप देखेंगे आप अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी अपनी मम्मी पापा फैमिली के किसी भी फ्रेंड सर्कल में आप ट्रैवल करते होंगे, पैदल पैदल चलते होंगे, तो किसी बहुत कोई तेज चलता है, कोई बहुत धीमे चलता है, तो वो सब कैसे हम मेजर करेंगे। यहाँ मेजरमेंट करने की बात जब आती है तो हम बात करेंगे स्पीड की। किसकी बात करेंगे, स्पीड। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। बाइक चलाते होंगे आप लोग या नहीं चलाते होंगे तो पिताजी चलाते होंगे। आपने बहुत सुना होगा कि इनकी जो गाड़ियां हैं वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, या कभी कभी बहुत तेज सुना है ये लड़का बहुत तेज गाड़ी चलाता है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। तो इसका क्या स्टेटमेंट का मतलब होता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर आप एक घंटा चले, मतलब टाइम को क्या करते एक आवर बोला ना, आवर का मतलब वो सिंगल आवर, वही स्पीड अगर हमारे पास चलती रहे तो हम सिंगल आवर में कहाँ पहुंच जाएंगे, उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे
जब हमारे से अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक घंटा अगर कंटिन्यूसली इस स्पीड से मैं चलूँ तो मैं 80 किलोमीटर पार कर जाऊँगा या 80 किलोमीटर तक मैं पहुँच जाऊँगा। उसी तरह तो इसके मेजरमेंट के लिए हमने यूज किया मीटर पर सेकेंड। मैंने पहले ही बताया था कि हम मीटर, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर ही यूज कर सकते हैं, बट हम जनरल सिस्टम में अगर बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड की बात करेंगे। अब हिंदी में किसी को बोले एकांक का मतलब था एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब अगर हम एक यूनिट टाइम में एक फिक्स टाइम में चले तो उसको हम लोग दूरी कहेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सिक्स किलोमीटर 2 आवर्स में जाता हूँ तो मेरी स्पीड क्या है, सोचिए। तो आप यूनिटरी मेथड ये सब पढ़े होंगे, सिंपल सी बात है कि अगर मैं 6 किलोमीटर 2 आवर में जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा हूँ, ठीक। तो इसको कैसे आप इधर डिवाइड करते हैं, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी बना दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। अब यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं।